हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। और जैसा आप सब जानते हो, हम लोगों ने जो है सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम जो है उस सर्कल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.1 करने वाले हैं। और यस, अगर आप लोगों ने जो है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, राइट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा, इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जो हमने अपलोड किया है, तो आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें, आपको आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। और मैं बता दूँ, बहुत ही ईजी है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वेल, विल डू इट। या तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का ना बच्चों, 3.1 का सर्कल चैप्टर का, तो यहाँ पे हम जो है एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है आप लोगों के लिए, हम सीधे से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखो अभी यहाँ पे क्या क्या है चीजें हमारे पास। ठीक है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें एक लाइन दी गई है, ठीक है, लाइन ए बी। तो वी हैव अ लाइन ए बी एंड वी हैव अ सर्कल। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, कुछ गिवन डेटा देखो दिए हैं। गिवन डेटा बताया, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं सी जो हमारा सेंटर है ना, सेंटर से लेके ए तक का मैं एक लाइन जो है कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एंड दिस बिकम माय रेडियस विच इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। ओके, और हम जो क्या करेंगे, हम सी से लेके बी तक का एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अगेन हमारा एक कंस्ट्रक्शन होगा, बट यहाँ पे वो हमारा रेडियस नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन माय रेडियस। ठीक है, और हमने हमने देखो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि टेंजेंट जो है वहां पे सिर्फ जो है एक ही पॉइंट जो है क्या होगा, सिर्फ जो है रेडियस से मिलेगा, अदरवाइज बाकी कोई भी लाइन प्लॉट करोगे तो वो जो है रेडियस से ग्रेटर होगा। ठीक है, ओके, तो ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो ए बी जो मेरी लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। टेंजेंट बता दो आपको, अगर बच्चों टेंजेंट नहीं पता है, तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। और टेंजेंट होने का मतलब क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, जो कि हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। या तो अब देखो क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके सब सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। चलो ठीक है, हमने तो बता ही दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। अब देखो सी ए बी बराबर ये एंगल जो कि हमें दिख रहा है 90 डिग्री है, बट क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज ये थियरम हम लोग ने कल मतलब हमारे पीछे लेक्चर में ही किया था। क्या किया था हम लोग ने बताया था, कौन सा थियरम कहा था बच्चों, यस टेंजेंट थियरम। तो वी कैन से दैट मेजर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, यस इसका रीजन दोगे आप बाय टेंजेंट थियरम। ठीक है बच्चों, सो बाय टेंजेंट थियरम वी कैन से दैट माय मेजर एंगल सी ए बी विल बी 90 डिग्री। दैट्स इट, इतना ही लिखना आपको इसके लिए, बाकी और कुछ नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, यस बहुत सिंपल था, बहुत इजी है और सारा क्वेश्चन भी इजी। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस। देखो हमने एबीसी का एंगल बता दिया 90 है, वाई का रीजन भी लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी। ओके, और वाई पूछा ये लोगों ने। तो देखो अब देखो लाइन ए बी तो हमारी ये है, और लाइन ए बी ये है, और ये लोग ने पूछा कि ए से लेके सी तक का जो है डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। अब पहली बात तो हमारा जो पॉइंट ए है वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस टेंजेंट पे, राइट, सर्कल और उस लाइन पे। ठीक है, तो मैं पहले तो ये बोल देता हूं कि माय लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू, अब मैं जो कंस्ट्रक्शन किया हूं सी टू ए, तो सेगमेंट सी ए। ठीक है, तो हमारा लाइन ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट सी ए से, तो ऑब्वियसली अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन जो होता है तो उसका जो डिस्टेंस होगा सी से लेके ए तक का वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आई कैन से दैट, तो इन्होंने पूछा ना व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन ए बी, तो लाइन ए बी से, बट मैं सिर्फ ए से मेजर करूंगा इसे, तो देखो क्या मिलता है मुझे, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, तो लाइन ए बी। अच्छा, इसका रीजन क्या दोगे आप, ये परपेंडिकुलर कैसे बताया आपने, तो आप लिख दोगे From one मतलब first questions के मुकाबले हम बता सकते हैं कि वो perpendicular है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपल लिखोगे आप इसके अंदर कि जो मेरा given है मेरे पास, ठीक है, given क्या है हमें given पता है that radius of this circle is how much 6 सेंटीमीटर, therefore A से लेके C तक का जो मेरा distance होगा, ठीक है, therefore A to C will be 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपका सिंपल आंसर हो गया, ए टू सी क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ओके,
इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, दिया है थर्ड वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, डिस्टेंस ए टू बी 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, ए टू बी कहां पर है बच्चों? देखो ये ए है, ये बी है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना बता रहे हैं ये लोग? 6। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ध्यान से लिखना, रेडियस भी 6 है और ये भी कितना है बच्चों? 6 है, ठीक है। सो ए से बी तक का डिस्टेंस, सॉरी यहां लिखना है मेरे को, तो मुझे पता है ए से बी का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो आई कैन राइट ए टू बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, या मैं ऐसे लिख दूं सेगमेंट ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करने बोला है, सी बी, सी बी या फिर बी सी, ठीक है। आप सी बी लिखो, बी सी लिखो, दैट्स कूल। तो आप हमें जो है सी बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा ना बच्चों, देखो ये तो आप जैसे आप देख सकते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, दिस इज मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। और सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें दोनों साइड्स पता है, तो मैं ये साइड्स जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर एंड सेगमेंट सी ए इज 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे मैं क्या बोलूंगा, आई कैन से दैट सी बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो आई कैन से सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। ओके, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी, तो जो इनकी वैल्यूज पता है पुट कर दो, तो वॉट यू गेट, तो आई विल गेट सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू देखो हमने लिखी है ऊपर कितनी है 6, और BC की इतनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, राइट, विच विल गिव मी हाउ मच, 72, राइट। ये मैं क्या दे देगा बच्चों, 72। तो देखो मेरा जो CB है, तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना है मुझे, मुझे किस CB का वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सी बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 72, राइट बच्चों। अब देखो मैं 72 को ऐसे लिख सकता हूं 2 × 36, राइट। आप 36 को मल्टीप्लाई करो 2 से, यू विल गेट 76। मैंने ऐसे नंबर क्यों लिया, क्योंकि 36 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 6 और रूट 2 बच जाएगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा, यू विल गेट, यस यू विल गेट 36 का बाहर आ जाएगा 6 और अंदर बचेगा 2, तो आपको जो है सी बी की वैल्यू मिल जाती है कितना बच्चों, 6√2। अच्छा, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो बहुत सिंपल है, आपको ना ये रूट टू और रूट थ्री ना बहुत बार मतलब ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, तो आप क्या करोगे ना इनकी वैल्यू याद ही रख लो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है बहुत, रूट टू की जो वैल्यू होती है और रूट थ्री की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है क्या है। देखो रूट टू की वैल्यू है, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट दूंगा और आपको से समझ आएगा कि उसकी वैल्यूज क्या है। रूट टू की वैल्यू होती है 1 का 4 1 का 4 1 का 4 1 का 4, राइट। सो तो हमें क्या करना है, 1 के बाद पॉइंट डाल देना है, 1 के बाद पॉइंट डाल देना है, तो दिस बिकम द वैल्यू ऑफ माई रूट टू। लेट मी सी आपको इतना ऊपर दिख रहा है या नहीं, ओके यस दिख रहा है। सो रूट टू की वैल्यू है 1414 और 1 के बाद पॉइंट डाल देना है। रूट थ्री की वैल्यू है 1 7 3 को 2 डाला, क्या है बच्चों, 1 7 3 को 2 डाला। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, 1 के बाद जो है पॉइंट दे दोगे, तो दिस बिकम द वैल्यू ऑफ रूट थ्री। तो ये रूट टू की और रूट थ्री की वैल्यू है, आप चाहिए तो यहाँ पे रूट टू की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी बी। नहीं करोगे यहीं पे छोड़ दोगे, दैट्स कूल, यहाँ पे भी चलता है। ओके, सो यहाँ पे जो है ये हमने जो है थर्ड कर लिया, अब हमारा बचा है फोर्थ वाला। यस, देखो फोर्थ वाले में क्या करना है, अब देखो जो फोर्थ सम में यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी बी एंड वाई। ओके, ए सी बी मतलब हमें ना यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए बच्चों,
सॉरी मैं एबीसी सॉरी एसी भी नहीं एबीसी ए सॉरी एबीसी हमें ना बच्चों ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल जो है फाइंड आउट करना है कितना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको बता दूं बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। इसके लिए आपको क्या करना होगा ना बच्चों, सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे इस मैं ट्रायंगल को एज्यूम करता हूं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूं इन ट्रायंगल, राइट, इन ट्रायंगल एबीसी एंड एंड ट्रायंगल एसी बी, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली एक ही ले रहे हैं, या फिर ट्रायंगल नहीं हम एंगल ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं। चलो इन एंगल एबीसी एंड एंगल एसीबी, ठीक है, एबीसी और एसीबी, ओके। इस दोनों एंगल में मैं क्या बोल सकता हूं, आई कैन से दैट सेगमेंट एबी इज इक्वल टू सेगमेंट एसी। देखो एबी और एसी सेम है, क्यों? क्योंकि बोथ हैव द सेम लेंथ, ठीक है। तो आप लिख दो, आप बाद में लिख दो कि क्या लिखोगे, बोथ हैव सेम लेंथ, बोथ हैव सेम लेंथ, ठीक है, बोथ हैव सेम लेंथ। फिर इसके बाद बच्चों आप यहां पे एक चीज और प्रूफ कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि यहां पे जो आपकी ये जो दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों बोलोगे आप इक्वल है? बिकॉज जब दोनों के लेंथ सेम है, मतलब जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका भी है, तो दिस बिकम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो विद द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, आई कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल, राइट, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट मेजर एंगल ए बी सी एंड ए सी बी विल बी इक्वल टू ईच अदर। और यहाँ पे रीजन क्या दोगे, यस, यहाँ पे रीजन दोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, isosceles LES, isosceles triangle theorem, ठीक है। तो आप isosceles triangle theorem के बेस पे बोलोगे ये दोनों क्या होंगे, equal होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों equal हो जाते हैं तो मतलब दोनों का जो angle होगा वो equal होगा, तो जितना angle इसका होगा उतना angle जो है इसका भी होगा। ओके, देखो जनरली ऐसे तो हम इसको ओरली भी बता सकते हैं कि आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं और वो भी खासकर 90 डिग्री में, तो यहाँ पे ऑपोजिट के दोनों एंगल होते हैं वो 45-45 हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम यहाँ पे 45, देखो बस दो ट्राइंगल हम पढ़ते हैं, राइट, या तो हम 45-45-90 या तो 30-60-90, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 30-60-90 होगा नहीं, क्योंकि 30-60-90 के लिए कंडीशन हमारा अलग होता है। हमें पता है कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल है। तो अगर दोनों साइड्स इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, इस केस में जो है हमारे दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल बी बी और एंगल सी बी। ओके, तो मैं बोलूंगा लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो मैं ये एंगल को एक्स मान लेता हूं, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है ना उनकी वैल्यूज क्या है बच्चों। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना बच्चों, अब हम जो है हमें पता है कि पूरे एंगल्स का एडिशन क्या होता है 360। तो आई कैन से दैट मेजर एंगल सी ए बी प्लस मेजर एंगल ए बी सी प्लस मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। ओके, मुझे ए पे पता है कितना है 90, ये है हमारा 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या ली हमने x, इसकी भी वैल्यू क्या ली x, सो x प्लस x इक्वल्स टू 180, 90 वहां लेके जाओगे सबट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विल गिव यू 90, तुम आपको मिल गया 2x इक्वल्स टू 90। फिर आप क्या करोगे बच्चों, आप जो है 2 को वहां लेके जाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 व्हिच विल नथिंग बट 45 डिग्री, ठीक है। तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब इन दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, दैट मींस योर एंगल ए बी सी विल बी हाउ मच, 90 डिग्री। तो आई कैन से दैट देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो वी सॉल्व दिस, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक द स्क्रीनशॉट, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, तो अब हम जो है नेक्स्ट सम करते हैं। देखो नेक्स्ट सम में हमें क्या दिया हुआ है, अगेन एक सर्कल है हमारे पास और कुछ चीजें हमें दी है। तो हमें बताया गया है ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो मैंने गिवन लिख के रखा है और जो क्वेश्चन दिया फाइंड आउट करने के लिए वो हमने लिख के रखा है, ठीक है। तो आपको ये दिया है कि ओ इज द सेंटर, ठीक है, और सेगमेंट आर एम और सेगमेंट आर एन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो एक पॉइंट आर लिया है आउटसाइड ऑफ सर्कल, तो आउटसाइड ऑफ सर्कल पे जो पॉइंट है तो वहां से हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया आर से लेके एन तक का और आर से लेके एन तक का, ठीक है। एंड दे विल मेक अ टेंजेंट सेगमेंट। यस, हमने इसके पिछले वीडियो में किया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया था कि टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने R से लेके M तक का और R से लेके N तक का जो एक लेंथ ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ की है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट, क्योंकि ये यहाँ पे सर्कल को जो है एक पॉइंट पे टच होते हैं, ठीक है। तो RM जो है सर्कल को पॉइंट M पे टच हो रहा है, RN जो है सर्कल को पॉइंट N पे टच हो रहा है, दे विल मेक अ टेंजेंट सेगमेंट, दैट मींस दे विल मेक अ एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या है ना बच्चों की, यहाँ पे जब हम बात करते हैं आगे, हमें देखो OR की वैल्यू दी गई है, तो O से लेके R तक की जो वैल्यू है कितनी है बच्चों, 10, ठीक है। तो O से R तक की वैल्यू, दैट मींस ये पूरी वैल्यू में कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला है रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है O से लेके M तक का और O से लेके N तक का, ठीक है। तो O से M तक का विल बी माय 5 सेंटीमीटर और O N इज ऑल्सो माई 5 सेंटीमीटर, वाई, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ माई सर्कल, ठीक है। सो दे आर द रेडियस ऑफ माई सर्कल, सो दे विल बी 5 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर हमें जो है करने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट सेगमेंट, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक टेंजेंट सेगमेंट, जैसे हमारे पास दो टेंजेंट सेगमेंट है, आर एम है और आर एन है, तो ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट का जो है लेंथ क्या होगा। तो ऑब्वियसली पहली बात तो हमने देखो दोनों टेंजेंट सेगमेंट सेम होते, ये थ्योरम हमने प्रूव किया था, राइट, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि जो दो टेंजेंट सेगमेंट बनते हैं आउटसाइड पॉइंट आर से, वो दोनों का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो हम अगर एक का फाइंड आउट कर लिए तो दोनों का पता चल जाएगा हमें, तो ठीक है। तो एक का फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, तो फर्स्ट लिखते हैं सॉल्यूशन। तो मैं फर्स्ट के लिए करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो मैं बोलता हूं इन ट्राइंगल, ठीक है, मैं ट्राइंगल ज़ूम करता हूं बच्चों, तो इन ट्राइंगल आर एम ओ, तो आप देखोगे आर एम ओ जो है बच्चों, ये ट्राइंगल जो है एट एंगल एम जो है 90 डिग्री बना रहा है। कैसे 90 डिग्री बना रहा है, बाय द ऑन द बेसिस ऑफ माय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो टेंजेंट थ्योरम की मदद से ये जो है यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो आई कैन से दैट माय एंगल आर एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या दोगे बच्चों इसका, यस, इसका आप रीजन दोगे बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो बाय टेंजेंट थ्योरम वी कैन से दैट इट इज मेकिंग द एंगल हाउ मच, 90 डिग्री। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां पे जो है देखो आपको ये डिस्टेंस पता है, राइट, ओ से आर का डिस्टेंस पता है कितना 10 है, फिर ओ से एम का डिस्टेंस पता है कितना 5 है। तो आप एम से लेके आर का डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं लिखा मेजर एंगल आर एम ओ जो है मेरा ये 90 डिग्री बन गया, मतलब ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पे मैं जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या बोलूंगा, अच्छा यस, पाइथागोरस थ्योरम से मैं बताऊंगा यहाँ पे कि मेरा जो एंगल्स मुझे मिलेगा, ठीक है। तो आई कैन से दैट हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा, अपोजिट ऑफ माय 90 इज हाइपोटेन्यूज, बट दैट मींस ओआर। सो ओआर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, राइट, वैल्यूज लिख दो। ओ आर आपको पता है, ये आपको पता है 10 है, एम आर पता है, एम आर नहीं पता है, ठीक है। तो एम आर को, तो ओ एम को यहां लेके आ जाओ। सो ओ आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर विल बी माई एम आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है ओ आर की 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो दिस विल गिव मी 100 माइनस ओ एम इज हाउ मच 5, 5 का स्क्वायर विल बी 25, तो ये हो जाएगा 25, That will be my MR square, बच्चों। देखो अब ये क्या होगा, ये this will give me 75, right? तो 75, तो 75 equals to MR square. अब देखो taking square root on both the side, तो मुझे क्या मिलेगा इसका value? मैं हाल ही देता हूँ, तो मुझे जो है MR की value मिल जाएगी बच्चों under root of 75, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, MR is equal to
25 into 3, right? 25 को 3 times करूंगा तो will give me 75. 25 जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5√3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई एम आर. ठीक है, तो मुझे जो है एक साइड की वैल्यू मिल गई कितना है, एम आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5√3. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट माई टेंजेंट सेगमेंट लेंथ. ठीक है, तो माई टेंजेंट सेगमेंट, आई कैन से दैट माई सेगमेंट एम आर एंड माई इक्वल टू सेगमेंट आर एन will be equal to how much bachcho, yes 5√3. theek hai, so this is my answer for this. okay, next question kya pucha hai hum log ko, next pucha hai what is the measure of angle mro. mro matlab aapko jo hai na bachcho bata do, main ye wala angle nikalna hai, ye wala. theek hai, ye wala angle kitna hai ye batana hai. theek hai, ab dekho ek cheez हमने पिछले लेक्चर में भी प्रूफ किया था कि ये जो पॉइंट ओ आर है, दिस पॉइंट ओ आर इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, एम आर एन का. ठीक है, एम आर एन का जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि ये जो मेरा वैल्यू है एम आर ओ, ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा बच्चों, यस. तो ये यहाँ पे एंगल जो बना रहे वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. बट ठीक है, अब देखो हमने जो है जो एंगल्स पढ़े हैं 90 डिग्री की केसेस में, हमने क्या बोला है, या तो वो 45-45-90 होगा या तो फिर वो 30-60-90 होगा. ओके, आपको क्या लगता है, क्या ये 45-45-90 डिग्री बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा. क्योंकि 45-45-90 बनने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए हमें, कंडीशंस ये चाहिए है कि हमारे जो दो साइड्स होंगे हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, वो दोनों साइड्स कैसे होने चाहिए, इक्वल लेंथ होने चाहिए, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना चाहिए. बट यहाँ पे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगा. तो अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मेरे पास दो कंडीशन है. हमने जो है 30-60-90 डिग्री के थ्योरम में क्या पढ़ा था कि 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है. वो साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है. तो ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं सेकंड के लिए भी, लेट्स सी व्हाट वी गेट. तो सेकंड पॉइंट के लिए, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ एमआरओ, तो हमें मेजर एंगल एमआरओ जो है फाइंड आउट करना है कितना है. ठीक है, तो मैं अगेन जो है मैं ट्राइंगल एज्यूम करता हूँ बच्चों. सो आई अगेन कंसिडर इन ट्राइंगल. ठीक है, आई राइट आर एम ओ. सो आर एम ओ ट्राइंगल में जो है मैं क्या बताऊंगा यहां पे, आई कैन से दैट ओके आर एम ओ इज इक्वल टू हाउ मच, आई कैन से एंगल आर एम ओ, एंगल आर एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं बच्चों बाय टेंजेंट थ्योरम. ठीक है, जो हमने पहले भी बोला था, तो मैं बोलूंगा बाय टेंजेंट थ्योरम. ओके, तो अब ये मैं बाय टेंजेंट थ्योरम बता दिया कि ये जो है मेरा 90 डिग्री है. तो आई कैन से दैट दैट माय साइड सेगमेंट एमओ इज हाफ ऑफ सेगमेंट आरओ, राइट. ध्यान से देखना, सेगमेंट एमओ इज हाफ ऑफ सेगमेंट आरओ. सेगमेंट आरओ क्या, हाइपोटेन्यूज. तो हमें पता है कि हमारा एक साइड अगर हाफ होगा किसका, हाइपोटेन्यूज का, तो उसके सामने वाला साइड क्या होता है, 30 डिग्री, राइट. तो इसे हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ 30-60-90. देखो हमने 30-60-90 थ्योरम में क्या पढ़ा था, हमने 30-60-90 थ्योरम में पढ़ा था कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा. ठीक है, 30 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा. बट अभी हमें सामने वाला साइड ही पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल नहीं पता. तो मैं क्या बोलूंगा, बाय कन्वर्स ऑफ 30-60-90 थ्योरम आई कैन से दैट द एंगल अपोजिट टू द हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 30 डिग्री. तो मैं यहां पे लिख दूंगा, मुझे आंसर मिल चुका है, मुझे क्या मिला है, मेजर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री. और रीजन क्या दोगे इसका, इसका रीजन क्या दोगे, यस यू विल राइट कन्वर्स ऑफ 30-60-90 थ्योरम. ठीक है, 30-60-90 थ्योरम के बेसिस पे. तो ठीक है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट ओ आर एन इज 90 डिग्री. ओके, तो सिमिलरली मेजर एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, सेम बेसिस पे, कन्वर्स ऑफ 30-60-90 के बेस पे. ओके, तो ये हमने जो है एम आर ओ प्रूफ कर दिया कितना है, 30 डिग्री. नेक्स्ट हमें बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ
एंगल एम आर एन। अब देखो एम आर एन कहां है बच्चों, एम आर एन मतलब ये टोटल, ठीक है मुझे ये पता चल गया 30 है, मुझे ये भी पता चल गया कितना है 30 है, तो 30 प्लस कितना 60, तो ये सिंपल है किसके लिए, थर्ड पॉइंट के लिए। सो आई कैन से दैट मेजर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू मेजर एंगल एम आर ओ प्लस मेजर एंगल एन आर ओ। तो ये कितना है बच्चों 30 और ये कितना है 30 विल गिव मी हाउ मच 60 डिग्री। तो मुझे मिल गया मेजर एंगल एम आर एन, एम आर एन इज हाउ मच 60 डिग्री, ठीक है। सो बाय दिस वी आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ओके। तो यहां पे दिस इज हाउ वी विल प्रूव दिस, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। तो अब हम जो है इसका थर्ड प्रॉब्लम देखने वाले बच्चों, देखो थर्ड प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, दो मिनट में कर लेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखना, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें गिवन डेटा दिया हुआ है, गिवन में ये बोला गया है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट आर लिया आउटसाइड सर्कल इसके पहले से किया था, और ये जो पॉइंट आर से लेके आर एम है और आर एन है ये दोनों हमारे टेंजेंट सेगमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बच्चों, यस दिस टू आर माई टेंजेंट सेगमेंट। अब देखो प्रूफ क्या करने बोला है, हमें प्रूफ ये करने बोला है कि सेगमेंट ओ आर जो है, ठीक है, ओ आर ये क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा किसे, एम आर एन को और एम ओ एन को, ठीक है। तो एम आर एन और एम एन ओ एम ओ एन को क्या करेगा, ये ओ आर जो है ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, राइट। दैट मीन्स ये जो है इनको हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट करना क्या होगा, हाफ में डिवाइड करेगा। तो यस शुरू करते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सी सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं ट्रायंगल अज्यूम करता हूं बच्चों, तो आई अज्यूम द ट्रायंगल, ये फिर मैं एंगल ले लेता हूं पहले, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एंगल आर एम ओ एंड एंगल आर एन ओ, ठीक है। तो मैंने दो एंगल ले लिया, आप भी देख सकते हो आर एम ओ और आर एन ओ, ठीक है। अब मैं देखो तो ये दोनों ट्राइंगल दोनों एंगल्स को मैं पहले इक्वल प्रूफ करता हूँ, आप ट्राइंगल भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, इन दोनों मैं एक्चुअली मैं ट्राइंगल ही लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं ये दो ट्राइंगल अज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में फर्स्ट वाले ट्राइंगल में देखो यहाँ पे आई कैन से एंगल आर एम ओ इज इक्वल टू एंगल आर एन ओ विच इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे इसका, यस टेंजेंट बन रहा है तो क्या लिखोगे, बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। सो टेंजेंट थ्योरम की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों मुझे 90 डिग्री मिल रहे हैं, तो यहां पे भी क्या होगा मेरा 90 डिग्री होगा, यहां पे भी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री, यस ओके। अब देखो मैं इस ट्राइंगल में कुछ और चीजें करता हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि दोनों ट्राइंगल के लिए, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के लिए सेगमेंट ओ आर जो है वो क्या है, एक कॉमन बेस है, ठीक है। सेगमेंट ओ आर जो है वो क्या है, कॉमन बेस है दोनों ट्राइंगल के लिए। एंड आई कैन से दैट नेक्स्ट सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन, ठीक है। देखो ओ एम और ओ एन ये दोनों क्या होंगे बच्चों, दोनों सेगमेंट्स क्या होंगे हमारे, दे आर द दे आर इक्वल, ठीक है। आगे मैं एंड नहीं दूंगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सेगमेंट ओ एन इज इक्वल टू सेगमेंट ओ एन, रीजन क्या दोगे इसका, यस कॉमन रेडियस, ठीक है, या कॉमन रेडियस। तो ये क्या है मेरे, कॉमन, ठीक है, तो ये मेरे कॉमन रेडियस है, ठीक है, ओ एम और ओ एन। या अब इसके बाद जो है, अगर हमने इतनी सारी चीजें बता दी इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो दोनों ट्राइंगल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट ट्राइंगल आर एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, मैंने यहां पे एन ले लिया था क्या, यहां पे आर आएगा, एन आर ओ, एन आर ओ, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आई कैन से दैट मेजर एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एन आर ओ, ठीक है। मैंने यहां पे लिया था
आर एन ओ चाहिए था मुझे, सॉरी 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, आर एन ओ, ठीक है यहाँ पे हम लेंगे आर एन ओ, ठीक है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है हमने वो एंगल्स लिया है, एन पे और एम पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इस दोनों बेसिस पे मैंने क्या बोल दिया बच्चों कि ये दोनों मेरे क्या हो गए, अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो मैं अच्छा इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, इसे हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं बाय हाइपोटेन्यूस थ्योरम, ठीक है हाइपोटेन्यूस थ्योरम लेते हैं। फिर मैं चलेंगे एम आर ओ और एम आर एन हमने कॉन्ग्रुएंट बोला, और फिर हम ये भी बोलेंगे कि मेजर एंगल एम ओ आर, ठीक है एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एन ओ आर, ठीक है। इन दोनों को आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, या फिर लिखोगे आप कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है यू विल राइट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसको आप क्या दोगे रीजन, because they are my congruent angles of congruent triangle. तो देखो ये मेरा congruent triangle proof कर दिया, right? तो ये congruent triangle के base पे मेरे दोनों congruent angle है, तो congruent angle of congruent triangles, ठीक है। After doing this, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, yes, I can say that segment OR is a bisector of किसका एंगल एम आर एन का और एंगल एम ओ एन का, यस। सो अभी मैंने ये दोनों को क्या बता दिया, दोनों एंगल इक्वल बता दिए। देखो मैंने बता दिया कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी है। तो अगर ये दोनों सेम एंगल है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, एक तरीके का बाइसेक्टर है सेगमेंट ओ आर, जिससे क्या हो रहा है, ये दोनों मुझे सेम एंगल मिल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ गया। अब इसके बाद हम न्यू एक और क्वेश्चन बचा है वो सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो प्रॉब्लम सेट है 3.1 वो कंप्लीट हो जाएगा। यस टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, तो अभी हमें जो है लास्ट सम करना है हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 का, जो कि बहुत ही इजी है ये भी। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि आप तो ओरली आंसर बता सकते हो, बट आपको यहाँ पे बोला है कि जस्टिफाई योर आंसर, तो जिसके लिए आपको एक्चुअली सॉल्व करके दिखाना है कैसे आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दिया है कि एक सर्कल है और इस सर्कल से एक डायमीटर पास हो रहा है ए बी, तो ए बी इज अ डायमीटर एंड सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस 4.5। तो देखो अभी ये जो मेरा जो लेंथ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं टू फाइंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। तो हमें दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, दो लाइन है हमारे पास, और हमें पता है कि लाइन एल जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच हो रहा है, मतलब वो जो है टेंजेंट है। लाइन एम जो है वो भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच हो रहा है, जो कि वो भी टेंजेंट है। तो लाइन एल टच हो रहा है एट पॉइंट ए, लाइन एम टच हो रहा है एट पॉइंट बी, और सी जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें रेडियस दिया गया है, ठीक है, हमें रेडियस कितना दिया बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको रेडियस 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है और बोला गया है कि ए और बी, मतलब दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो हमें जो है फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स, ओके। तो ना मैं बच्चों ये सम को दो तरीके से करूंगा, एक तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसे फाइंड आउट करने का। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है, पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो मैं सॉल्यूशन में आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, सी टू टेंजेंट्स टचिंग द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, मैं ऐसे स्टेटमेंट देता हूँ, इफ टू टेंजेंट्स टचिंग द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो अगर मेरे दो टेंजेंट्स हैं जो कि डायमीटर को टच करेंगे, ठीक है, इस सेम डायमीटर को, ठीक है, तो अगर वो सेम डायमीटर को टच हो रहे हैं, मतलब या फिर डायमीटर के एंड पे,
एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, सो दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दे सकता हूँ. सो आई कैन से दैट, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि हमें जो फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. तो हमें फाइंड करना है सेगमेंट ए बी, ठीक है. तो ए बी कितना है वो हमें एक्चुअली निकालना है. तो मैं बोलूंगा हमारा जो सेगमेंट ए बी होगा, देखो बच्चों ये ओरली बता सकते हैं हम लोग, अगर रेडियस 4.5 है तो इस ए बी सेगमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो जो है डायमीटर है मेरा इसका 2 times हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा वो हमारा 9. बट ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 times ऑफ रेडियस, सो 2 into 4.5 विल गिव मी नथिंग बट माई 9 centimeter. तो आई कैन से दैट therefore segment AB is equals to 9 centimeter. तो आप इसे लिखोगे the distance between the two parallel tangents is 9 centimeter. okay, तो ये तो हमारा जो है एक तरीके से सॉल्व करने का मेथड हो गया. मैं आपको एक और मेथड और बताता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अल्टरनेट मेथड इसी का. तो ये हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है, बट एक मेथड हम और करते हैं. तो देखो अभी यहाँ पे मैं बोलूंगा माई टेंजेंट्स आर पैरेलल, तो ठीक है. सो फॉर पैरेलल टेंजेंट्स, मैं ऐसे लिखता हूं कि मेरा जो सी ए है, राइट, आई राइट सी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल. तो मैं लिखता हूं सेगमेंट सी ए, ठीक है. तो सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड सेगमेंट सी बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम. इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है. इसका क्या रीजन दोगे, बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है. अब इसके बाद तो अभी यहाँ पे जो हमने इतनी सारी चीजें देखी, तो देखो हमने यहाँ पे बोल दिया कि सी ए सेगमेंट और सी बी जो परपेंडिकुलर है लाइन एल और एम से. तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा जो अब यहाँ पे लाइन ए बी है, ठीक है, आई कैन से दैट सेगमेंट ए बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है. तो ट्रांसवर्सल मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे ए बी जो ए बी सी ये जो 3 points है कोलिनियर पॉइंट, ठीक है. अगर एक कोलिनियर पॉइंट है तो मैं सिंपली बोलूंगा दैट सेगमेंट ए बी इज ए सी प्लस सी बी, ठीक है, इट इज ए सी प्लस सी बी. अब देखो बच्चों ए सी क्या है यहाँ पे, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा यहाँ पे जो है वो क्या है, वो है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल. सी बी भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि हमें दिया हुआ है कितना 4.5, यस, सो 4.5 प्लस 4.5 इज नथिंग बट 9. तो मुझे जो है सेगमेंट ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, यस आई गॉट इट 9 centimeter. तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे सकता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट इज 9 centimeter. ओके, तो आप इन दोनों वे में से कौन सा भी वे करो, आपको आंसर देंगे, मार्क्स दिए जाएंगे. दिस इज हाउ वी जस्टिफाई आवर आंसर. ओके, सो बाय दिस वी एंड अप द प्रैक्टिस सेट 3.1. बट अगर फिर भी बच्चों आपको कोई क्वेरी है तो आपको सारे आंसर देंगे, आप डाउट मतलब आपके डाउट जो भी आप कमेंट करो, या टेलीग्राम ग्रुप है रंजीत सर करके वहां पे आप जाओ, वहां पे भी आपको सारे डाउट जो है क्लियर किए जाएंगे, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हो. ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो ताकि आपको सारे जो है नोटिफिकेशन आते रहे. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट.